देखो एक्सरसाइज 7.2 में एक टर्म्स इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको कहते हैं फैक्टोरियल, फैक्टोरियल ठीक। देखो ये जो साइन बना है देखो इसको कहते हम फैक्टोरियल। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये बेसिकली आता है किससे, क्रमचय से। क्या होता है? क्रमचय, ठीक ना, परम्यूटेशन से, ठीक ना। परम्यूटेशन में क्या करते हैं, हम किसी भी चीजों को व्यवस्थित करते हैं, अरेंज करते हैं, ठीक। तो परम्यूटेशन में एन फैक्टोरियल्स, फैक्टोरियल्स का मतलब होता है कि हम जब अंकों को रिपीट ना करें, बिना रिपीट करे उसको कितनी बार अरेंज कर सकते हैं या कितने तरीके से उसको अरेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो पांच अंक है हमारे पास, कोई भी एक से लेके पांच तक अंक है, उससे हमें नंबर बनाने पांच अंकों की, कितने अंकों की, पांच अंकों की, और संख्या उसमें रिपीट, अंक जो है वो रिपीट नहीं होने चाहिए, ठीक ना। देख तो यहां पे हमारे पास पांच अंक है, मान ले एक दो तीन चार पांच, इससे में पांच अंकों की संख्या बनाना है, पांच अंकों की संख्या, और अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होगी, रिपीटेशन नहीं होगी। तो इसको बनने के कितने तरीके हैं, पांच, इसको चार, इसको तीन, इसको दो, इसको एक, ये बनने के तरीके है ना। तो क्या लिखेंगे, पांच गुणा चार गुणा तीन गुणा दो गुणा एक, ठीक ना। तो इसी क्रम को, इसी ये जो हमारे पास एक क्रम आ रहा है, ठीक ना, इस क्रम को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक संख्या से जिसको कहते हैं हम फैक्टोरियल। क्या कहते हैं, ये जो साइन बना है इसको क्या कहते हैं, फैक्टोरियल। हाँ फैक्टोरियल, हाँ फाइव फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल। इसको देखो इस फॉर्म में भी बनाते हैं और इसको इस तरीके से भी बनाते हैं, जैसे ये लिखा ना, इस तरीके से भी बनाते हैं, ठीक है। ये भी, इसका मतलब भी एन फैक्टोरियल है, इसका मतलब भी एन फैक्टोरियल। बुक में तुम्हें, बुक में तुम्हें इस तरीके से बना हुआ दिखेगा, ठीक। हाँ हाँ, किसी किसी बुक में इस तरीके से बना है। तो इसका मतलब क्या होता है, इन दोनों चीज का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल, ठीक है, फैक्टोरियल। हाँ फैक्टोरियल का मतलब, अब जैसे n का फैक्टोरियल है, n का फैक्टोरियल मतलब n, n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री, और ये तब तक मल्टीप्लाई करते जाएंगे जब तक कि वन ना आ जाए, जब तक कि क्या ना जाए, टू इंटू वन, पॉइंट नहीं, वन इंटू है। जैसे फॉर एग्जाम्पल्स एट का फैक्टोरियल निकालना है, क्या निकालना है, एट का फैक्टोरियल, एट का फैक्टोरियल का मतलब एट इंटू सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर थ्री टू वन, क्लियर है, मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देंगे। सौ तक का, सौ तक का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक ना, ठीक। तो n फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, n का उतनी टाइम्स, मतलब n, पहले n, फिर n माइनस वन, फिर n माइनस टू, n माइनस थ्री, इस तरीके से मल्टीप्लाई करते जाएंगे कब तक, जब तक कि वन आ जाए, आएगा उतना नहीं आएगा, छोटा मोटा देते हैं, बड़ा नहीं आएगा, ठीक है, हैं। हंड्रेड फैक्टोरियल निकाल सकता है, निकाल, अच्छी बात है। देखो 7.2 एक्सरसाइज में मान निकालिए, 7.2 में फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करें, मान निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 8 का फैक्टोरियल, 8 का फैक्टोरियल का मान निकालना है, तो क्या जाएगा, 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, कितना आएगा, देख 5 दुना 10, ठीक ना, ऐसे लिख, ऐसे कर, 8 पंजे 40, ठीक ना, 3 तिया, सॉरी 3 दुना 6 चौक 24, 42, 42 गुणा 40 गुणा
24, ठीक है, 6 और 7 की मल्टीप्लाई करें 42, 5 और 8 की मल्टीप्लाई करें 40 और इनकी मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 24, 24 का 42 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा 40 का 8, 4 दुना 8, 4 चौक 16 गुणा 24, 24 अट्टे, चलो मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देना, ठीक है। इसका सेकंड है 3 का फैक्टोरियल माइनस, देख नेक्स्ट है 4 का फैक्टोरियल माइनस 3 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल माइनस 3 का फैक्टोरियल कितना होगा, 4 का फैक्टोरियल 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 माइनस 3 का फैक्टोरियल 3 गुणा 2 गुणा 1, 24 माइनस का 6 बराबर कितना जाएगा 18। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है क्या 3 का फैक्टोरियल प्लस 4 का फैक्टोरियल बराबर 7 का फैक्टोरियल, क्या कह रहे हैं कि दोनों बराबर हैं, देख लेते हैं। एलएचएस निकालो 3 का फैक्टोरियल प्लस 4 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल कितना 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 4 गुणा 2 गुणा 1, 6 प्लस 12 दुना 24 कितना जाएगा 30। अच्छा आरएचएस 7 का फैक्टोरियल तो 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2, ठीक है ना, 42 गुणा 20 दिया 60 दुना 120, 12 दुना 24, 48 और 2 50 बराबर है दोनों, नहीं तो लिखेंगे फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 नॉट इक्वल टू फैक्टोरियल 7। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, 8 का फैक्टोरियल बाय 6 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल, 8 का फैक्टोरियल बाय 6 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल, देख इधर इसको देखेंगे 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 4 3 2 1 बाय 6 का फैक्टोरियल 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है ना, देख यहाँ से यहाँ तक पूरा कैंसिल हो जाएगा 4 टू जा 8 28। एक तो इस तरीके से कर सकते हो, देखो बाकी 8 का जो फैक्टोरियल है इसको हम लिख सकते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल, क्या लिख सकते हैं 6 का फैक्टोरियल, 6 का फैक्टोरियल फिर से वही हो जाएगा पूरा, लिख सकते हैं जहाँ तक भी तोड़ना है वो लिख सकते हैं, बटे 6 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल, 6 का फैक्टोरियल इंटू 2 का 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसल, 2 का फैक्टोरियल आ जाएगा 2 इंटू 1 4 28, ठीक है, ऐसे भी कर सको कर सकते हैं, नहीं प्लस में दे रखा तो नहीं करते, देखो नेक्स्ट है फैक्टोरियल हैं, उसके मतलब कितने तरीके से उसको व्यवस्थित कर सकते हैं, व्यवस्थाओं की संख्या बता दें, देखो नेक्स्ट है 1/6 का फैक्टोरियल प्लस 1/7 का फैक्टोरियल इक्वल टू x/8 का फैक्टोरियल, तो x का मान ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए x का मान, ठीक है ना, तो देखो 1/6 का फैक्टोरियल को ऐसे रख दो, इसके साथ कोई छिड़कानी नहीं करना है, प्लस 1/ देखो 7 के फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 7 6 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, अरे पहले इधर देख ले क्वेश्चन,
सेवन सिक्स का, क्योंकि फिर सिक्स का फैक्टोरियल क्या है, सिक्स इंटू फाइव इंटू चला जाएगा, क्या मतलब एन के फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, एन एन माइनस वन का फैक्टोरियल, या एन एन माइनस वन एन माइनस टू का फैक्टोरियल, जहाँ तक जरूरत है वहाँ तक लिखो, उसके आगे फैक्टोरियल में लिख दो, ठीक है ना। सेम यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एट बाय सॉरी एक्स बाय एट का फैक्टोरियल क्या जाएगा, एट इंटू सेवन इंटू सिक्स का फैक्टोरियल हो जाएगा। देख यहाँ से वन बाय सिक्स का फैक्टोरियल को है, इसका फैक्टोरियल खोल दिया, वन बाय सिक्स का फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, एक बटे एक प्लस एक बटे सात बराबर एक्स बटे आठ सौ तो छप्पन, सिक्स का फैक्टोरियल सिक्स फैक्टोरियल से सिक्स फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, सात एकम सात और एक आठ, तो जब आठ बटे सात बराबर एक्स बटे छप्पन, आठ सौ तो छप्पन, तो एक्स बराबर एट इंटू एट बराबर कितना जाएगा चौंसठ, तो एक्स बराबर हो गया हमारा चौंसठ, ठीक है हैं। देख बात नहीं मुबन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव, फिफ्थ का मान ज्ञात कीजिए, मान निकालना है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में, एन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर का फैक्टोरियल, इसका मान निकालना है, जहां दे रखा आर बराबर सिक्स और फर्स्ट दे रखा एन बराबर सिक्स और आर बराबर दो, देखो फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल एन माइनस आर इक्वल टू फैक्टोरियल सिक्स डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल सिक्स माइनस टू, तो फैक्टोरियल सिक्स बाय फैक्टोरियल फोर, सिक्स का फैक्टोरियल सिक्स इंटू फाइव फैक्टोरियल फोर डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल फोर, फोर से फोर कैंसिल छः पंजे तीस। अच्छा इसका सेकेंड पार्ट दे रखा है एन बराबर नाइन और आर बराबर थ्री सॉरी फाइव, ठीक है ना, तो हमें निकालना है फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल एन माइनस आर, क्या जगह फैक्टोरियल एन की जगह नौ, फैक्टोरियल एन की जगह नौ माइनस आर की जगह पाँच, तो कितना है फैक्टोरियल नौ बटे फैक्टोरियल चार, नौ को खोलू नौ इंटू आठ इंटू सात इंटू छः इंटू पाँच इंटू फैक्टोरियल फोर बाय फैक्टोरियल फोर, फोर से फोर कैंसिल, आठ पंजे चालीस नौ सौ तिरसठ, तिरसठ इंटू चालीस इंटू छः तो तिरसठ इंटू छः चौबीस दो सौ चालीस, चौबीस थी बहत्तर चौबीस चौबीस थी बहत्तर, बहत्तर का दो असल लगा सात, चौबीस छः एक सौ चवालीस और सात कितना जाएगा एक सौ चवालीस और सात एक सौ इक्यावन, एक सौ इक्यावन जीरो पहाड़ी।